ओह, क्या हालत है। और आज का मौसम बहुत ही गर्म है और मैं पसीने से भीगा जा रहा हूँ। मैं पसीने से इतना भीग चुका हूँ कि लगता है कि आज नहाने की भी जरूरत ना पड़े। मजाक कर रहा हूँ। ओह, खैर दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि खेलने या रेसल करने के बाद आपको पसीना क्यों आता है, या अपने भाई बहनों के साथ झगड़ने के बाद? तो आइए आज हम जानते हैं कि कैसे ये नमकीन पानी एकदम से हमारे स्किन से निकलने लगता है और असल में इससे होता क्या है। ज़ूम इन। दोस्तों, पसीने को हम बहुत बुरी नजर से देखते हैं क्योंकि ये बदबूदार और चिपचिपा सा होता है, पर यकीन मानिए दोस्तों, पसीना आना बहुत ही जरूरी है हमारी बॉडी का टेम्परेचर सही रखने के लिए और हमें हेल्दी रखने के लिए। पसीना बहुत सारे कारणों की वजह से आ सकता है, जैसे गर्म और मसालेदार खाना खाने से, घबराने से जब आप होते हैं बीमार, या फिर जब आप गर्मियों में स्वेटर पहन लेते हैं तब। पर फिजिकल एक्टिविटीज जैसे दौड़ना या खेलना पसीना आने का सबसे आम कारण होता है। आपकी स्किन के अंदर जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो ट्रिगर हो जाते हैं। स्वेट ग्लैंड एक लंबा खाली और कॉइल्ड सेल्स का ट्यूब होता है। डर्मिस के अंदर के इस कॉइल्ड हिस्से में पसीना पैदा होता है और ट्यूब का ये लंबा हिस्सा ग्लैंड को जोड़ता है स्किन की बाहरी परत के पोर्स से। पर पसीना आता क्यों है? देखिए, पसीना मदद करता है एक प्रोसेस में जिसे कहते हैं वो क्या कहते हैं उसे? हाँ दोस्तों, उस प्रोसेस को कहा जाता है थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन वो प्रोसेस है जिससे एक ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के टेम्परेचर को अलग अलग जगहों पर एक तय बाउंड्री में रखता है। आसान शब्दों में, जब गर्मी लगती है हमारी बॉडी के सेंसर्स दिमाग को बताते हैं, तब दिमाग नर्वस सिस्टम से कहकर सिग्नल भिजवाता है हमारी पूरी बॉडी में मौजूद सारे स्वेट ग्लैंड्स को कि वो काम करें और पसीना बहाएं। पसीना बस पानी होता है जिसमें सोडियम और क्लोराइड होता है। अब चूंकि पानी गर्मी को अच्छे से सोख लेता है, तो ये हमारी बॉडी की गर्मी को भी सोख लेता है और फिर उड़ जाता है, जिससे आपको ठंडा महसूस होता है। ट्रिविया टाइम। क्या आपको पता है कि हर किसी के अंदर पूरी बॉडी में तकरीबन 20 से 50 लाख स्वेट ग्लैंड्स होते हैं और उनमें से ज्यादातर हमारे हाथ की हथेलियों में मौजूद होते हैं, पांव के तलवों में और आपके सर के ऊपर भी। तो पसीना आना नेचुरल है। अगली बार आप और भी ज्यादा खेलिएगा, वो भी बिना ज्यादा थके हुए, क्योंकि पसीना आपकी बॉडी को ठंडा रखेगा। मिलते हैं अगली बार और फन फैक्ट्स के साथ। मैं हूं आपका डॉक्टर बायनॉक्स, ज़ूमिंग आउट।